गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3B देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए टेक्सटाइल मिल प्रोड्यूस्ड 1,15,26,725 मीटर ऑफ क्लॉथ लास्ट ईयर। मतलब एक टेक्सटाइल मिल है, कपड़े की मिल है, वो लास्ट ईयर इतना कपड़ा बनाती है एंड 1,39,08,980 मीटर ऑफ क्लॉथ दिस ईयर। इस ईयर वो इतना कपड़ा बनाती है। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द क्लोथ प्रोड्यूस इन टू ईयर। आपको ये बताना है कि इन टू ईयर्स के अंदर उस मिल ने टोटल कितना कपड़ा प्रोड्यूस किया। ऑल्सो फाइंड हाउ मच मोर क्लोथ वॉज प्रोड्यूस दिस ईयर। आपको एक ये और बताना है कि इस साल पिछले साल से उसने कितना ज्यादा कपड़ा प्रोड्यूस किया। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। क्लोथ प्रोड्यूस्ड लास्ट ईयर कितना है जो दे रखा है वो लिख लेंगे, क्लोथ प्रोड्यूस दिस ईयर जो दे रखा है उसको लिख लेंगे आप। ठीक है, उसके बाद टोटल क्लोथ प्रोड्यूस कितना हो जाएगा बेटा, दोनों को आप ऐड कर दोगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के टू पार्ट्स हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट में ये पूछा है कि टू ईयर्स में वो टोटल कितना क्लोथ प्रोड्यूस करती है। सेकेंड में ये पूछा है कि पिछले साल से इस साल कितना ज़्यादा कपड़ा प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो इस ईयर में से बेटा लास्ट ईयर जो कपड़ा प्रोड्यूस हुआ था उसको क्या कर देंगे आप, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, कैलकुलेशन आप अपने आप करेंगे इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मच मोर इज 70 लाख देन 48,45,760। इसमें पूछा है कि 48,45,760 से कितना ज्यादा है। कोई भी नंबर आपसे पूछा जाता है कि ये इससे कितना ज़्यादा है या कितना कम है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप बेटा बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे आपसे पूछा जाए कि 15 7 से कितना बड़ा है, तो 15 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करो, 8 बड़ा है। या ये पूछा जाए कि 7 जो है वो 15 से कितना छोटा है, तो भी 15 में से 7 ही सब्ट्रैक्ट होगा। तो चाहे कोई भी क्वेश्चन हो उसमें ये पूछा है कि ये नंबर इससे कितना बड़ा है या कोई भी नंबर किसी नंबर से कितना छोटा है, तो उसके हर केस में बेटा बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मेक 8 करोड़ को बनाने के लिए व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू द सम ऑफ। इस नंबर और इस नंबर के सम में आप क्या ऐड करो कि क्या बन जाए, 8 करोड़ बन जाए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले इन दोनों नंबर्स को आप क्या कर लेंगे बेटा, ऐड कर लेंगे। ठीक है, आपको बनाना कितना है, 8 करोड़ बनाना है, तो जो इनका सम आया उसको आप बेटा 8 करोड़ में से क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो आप इन दोनों नंबर्स का सम देखिए, नंबर का सम किया हमने तो हमारे पास ये वाला नंबर आ गया। ठीक है, उसके बाद हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में कि 8 करोड़ बनाना है हमें, तो इन दोनों के सम में आप क्या ऐड करोगे, तो 8 करोड़ में से बेटा जो इनका सम आया है उसको क्या कर दोगे आप, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, तो आप 8,28,386 को यदि इनके सम में ऐड करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, 8 करोड़ मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ From 75 लाख, 75 लाख में से इन सभी के सम को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसके अंदर आप क्या करोगे, पहले बेटा इन तीनों नंबर्स को क्या कर लोगे आप, ऐड कर लोगे। ठीक है, ऊपर नीचे लिखोगे इनको और फिर उसके बाद ऐड करोगे और तीनों नंबर्स को बेटा एक साथ ऐड कर दोगे और फिर आपको क्या करना है, उसको 75 लाख में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, नंबर्स को आप पहले लिखोगे फिर उसके बाद उनको क्या करोगे आप, ऐड करोगे। जो इनका सम आया है वो आपको 75 लाख में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट तो बेटा आप अपने आप कर लोगे। ठीक है, उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, द इनकम ऑफ ए पर्सन इज 50,780। एक आदमी है उसकी इनकम कितनी बताई है आपको, 50,780 रुपीज है। आउट ऑफ दिस ही स्पेंड 10,500 ऑन हाउस रेंट। घर का किराया जो है वो कितना देता है, 10,500 एंड 1,575 ऑन एजुकेशन ऑफ हिज चाइल्ड। वो अपने बच्चे की एजुकेशन पे खर्च करता है एंड 5,775 ऑन प्रोविजन। वो अपने खर्चों पे खर्च करता है इतना। फाइंड हिज रिमेनिंग इनकम, तो उसकी बची हुई इनकम आपको बतानी है, टोटल इनकम उसकी इतनी है।
ये इतना उसका खर्चा है, 10,500, 1,575 और 5,775, इतने रुपए वो खर्च कर देता है। तो उसके पूछा क्या है कि उसकी बची हुई इनकम कितनी है, तो टोटल इनकम में से जो उसके खर्च हो गए उसको आप क्या करोगे बेटा, ऐड करके टोटल में इनकम में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। मनी स्पेंड ऑन हाउस रेंट, मनी स्पेंड ऑन एजुकेशन, मनी स्पेंड ऑन प्रोविजन, टोटल मनी स्पेंड कितना हो गया, आप इन सभी को क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक है, टोटल इनकम कितनी है उसकी, 50,780। उसने खर्च कितने कर दिए, 17,850। तो उसके पास कितने रुपए बच गए बेटा, तो टोटल में से इसको आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है, ए फैक्ट्री प्रोड्यूस 10,567 साइकिल्स इन फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में एक कंपनी इतनी साइकिल प्रोड्यूस करती है, सेकंड ईयर में इतनी करती है और थर्ड ईयर में इतनी साइकिल प्रोड्यूस करती है, मीन्स कि इतनी साइकिल बनाती है वो। हाउ मेनी टोटल साइकिल्स डिड द फैक्ट्री प्रोड्यूस इन दीज थ्री ईयर्स। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि थ्री ईयर्स के अंदर वो जो फैक्ट्री है वो टोटल कितनी साइकिल्स प्रोड्यूस करती है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, इन थ्री ईयर्स की जो साइकिल्स हैं उनको क्या कर दोगे बेटा, सभी को ऐड कर दोगे। तो ठीक है, ए फैक्ट्री प्रोड्यूस साइकिल्स इन फर्स्ट ईयर, इन सेकंड ईयर और इन थर्ड ईयर। ठीक है, टोटल साइकिल्स प्रोड्यूस कितना हो गया, इन सभी को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन देखिए बेटा, इन 1981 द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल इन इंडिया वर। आपको ये दे रखा है कि 1981 के अंदर इंडिया के अंदर मेल इतनी थे और फीमेल्स इतनी थी। ठीक है, 33,11,50,122 तो क्या थी, फीमेल्स थी, और 35,40,34,570 क्या थे, मेल्स थे। एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन वर 1,23,45,678। इतने क्या थे, उसमें चिल्ड्रन थे। फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 1981। तो आपको ये बताना है कि इंडिया की 1981 में टोटल पॉपुलेशन कितनी थी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा, मेल फीमेल और चिल्ड्रन लिख के आप सभी को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है, मेल्स फीमेल्स और चिल्ड्रन लिख के आप सभी को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो क्या आ जाएगा, टोटल पॉपुलेशन आ जाएगा। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन है।